हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास हम ये डेमो क्लास रख रहे हैं और हम इस क्लास में बात करेंगे अपने अगले यूनिट यूनिट टू की। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं, हमारा नया बैच 1 अप्रैल 2021 से जो स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कुछ ही दिन बाकी स्टार्ट होगा, और इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको 25 इसी महीने की मिल जाएगी और उस समय से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन दोनों मोड के लिए हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों के लिए। और डेमो क्लास जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आज हम डेमो की बात कर रहे हैं और साथ के साथ ये हम यूनिट टू इसी पे कंप्लीट करेंगे। तो देखो, यूनिट टू में अगर मैं बात करूं तो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, एक यूनिट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड यूनिट आपको दिख रहा है, इसके अंदर बेसिकली तीन चैप्टर मेन हमारे आते हैं, लेकिन अगर मैं अलग अलग बुक के हिसाब से जाऊं तो किसी बुक में आपको 4 मिलेंगे, किसी में 5 मिलेंगे। ठीक है, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। बेसिकली क्या है कि आपको लास्ट में इन द एंड आपको यही पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक थे हमें जो पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, तीनों चार चैप्टर हूँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पढ़ना सारे टॉपिक हैं जो अलग अलग बुक में जैसे मिलेंगे वो उसकी हेडेक आप नहीं लेंगे। हमें जो जो टॉपिक पता होंगे या जो जो हमें पढ़ने होंगे, हम उन सब के बारे में आपके साथ डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए, हमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो हमारा है इसके अंदर कि हमें सबसे पहले बात करनी होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ही क्या। अगर हमें वही नहीं पता तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एक सेकंड, जरा ये मैंने पीछे स्लाइड में अभी वीडियो बनाई थी उसमें लगाया, ये पेड क्लासेस में लगाया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आएगा तो मैं कैंसिल कर दूंगा। वैसे मैंने क्लियर किया था, शायद रह गया होगा कहीं। चलो देखो, पहला चैप्टर हमने बात किया था जिसमें हमने बात क्या करी थी कि हमारे जो भी मिसलेनियस टॉपिक हैं, जैसे कि डिमांड होती क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी हैं, और कुछ उससे रिलेटेड को टॉपिक जो हमें पूरे इस यूनिट के, यानी कि पूरे वो 1 2 3 4 जितनी 4 या 5 यूनिट हम जो पढ़ने वाले हैं उन सभी के अंदर यूज होने वाली टर्म हमने मिसलेनियस टर्म्स के अंदर पढ़ के इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया था। इस पर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी, 2 लेक्चर, उसमें मैंने काफी डिटेल में उन्हें समझाया था, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा चैप्टर टू है। चैप्टर वन जो हमारा था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है, यानी कि इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए जो जो चीजें एक बच्चे को आनी चाहिए उन सब के बारे में हमने उन 2 वीडियो में बात करी है, या इससे पहले जो आपको वीडियो मिली होगी उसमें हमने इसमें बात करी थी। चलिए आगे देखते हैं, जरा यूनिट टू के अंदर हमें पढ़ना क्या है। देखो, यूनिट टू के अंदर ये मेन टॉपिक है और बेसिकली यही टॉपिक है जो हमें एज अ एग्जाम में देखें या फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए नीड होती है, वो सभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बहुत से मन में आएगा, सर बुक में तो इतने से लिखे रहते हैं, आपने तो कुछ ज्यादा ही टॉपिक लिख दिए। मेरे भाई, मैंने कोई ज्यादा टॉपिक नहीं लिखे हैं, मैंने आपको वो सभी पॉइंट्स, वो सारे की पॉइंट्स या वो सारे की कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ रख दिए हैं ताकि आपको पता लग जाए, एक माइंड डेवलप हो जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब ऐसा होगा कि भाई सर, हमारे सर ने तो 2 टॉपिक बताए हैं, आप तो पता नहीं कितने बता रहे हो, आप तो सिर्फ मतलब ऐसे इस तरह से कंफ्यूज कर रहे हो, हमें डरा रहे हो, कुछ ऐसे मन में अपने आप ख्याल आ जाते हैं। भाई, तुम्हें डरा कोई नहीं रहा है, तुम्हें चीजें समझनी होगी, रियलिटी समझनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ोगे कि अच्छा, ये चीजें पढ़ रहे हैं, इसका यूज यहाँ भी होने वाला है। आप ये सोचो कि मैं अलग अलग थलग पढ़ता रहूं और लास्ट में जब क्वेश्चन उठ के आएगा तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि क्रॉस चैप्टर निकलेगा। अभी हम जैसे ही एंड पे पहुंचेंगे ना, खासकर जब हम डिमांड सप्लाई पढ़ रहे होंगे, तब आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि सर, ये डिमांड का टॉपिक है या सप्लाई का, असल में दोनों का मिला हुआ, और उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे मेन पार्ट रोल अदा कर रहा होगा। ठीक है, चलिए, इतना अभी रिलैक्स रहो, आराम से, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ होगा, बट धीरे धीरे होगा। आगे देखते हैं, चलो। तो इसकी अगर मैं बात करूं इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो इस यूनिट के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है भाई, कंज्यूमर है क्या या फिर कंज्यूमर के ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो यार, जब से मेड इन चाइना मूवी आई है ना, तो जिसको देखो ना, कंज्यूमर का वो डायलॉग मारता है जो परेश रावल राजकुमार राव को बताता है कि सर, कंज्यूमर तो वो है। अब वो क्या है, भर लेना, जो बच्चों को नहीं पता उनको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मूवी देख लेना, मेड इन चाइना, पता चल जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बेस ले, वैसे देखनी चाहिए हर कॉमर्स स्टूडेंट को। खैर, मैं इंकरेज नहीं कर रहा किसी मूवी को, बट देख लेना, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर क्या है। ठीक है, लेकिन पेपर में हम वो डेफिनेशन नहीं लिख सकते, क्या पता टीचर ही कंज्यूमर निकले। ठीक
ठीक है चलो, तो जोक सपाट, हमें समझना होगा कि मीनिंग और ऑब्जेक्टिव है क्या, बेसिकली हम किसे कंज्यूमर का है। और कुछ तो इतने बावले होते हैं, कहते हैं भैया ये कौन पूछेगा टीचर, भाई ऐसा मत करो, ये ना कई बार असाइनमेंट में नहीं तो एक या दो नंबर में यही पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव, तो कई बार तीन नंबर में डाल देता है, कई बार एमसीक्यू में ही पूछ लेता है। तो कंज्यूमर है क्या, हम उसमें बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, अभी तक एग्जाम में पूछी नहीं है, बट इनकेस आपके वाइवा या असाइनमेंट में बहुत मोस्टली टीचर पूछ लेते हैं, ठीक है। पेपर में अभी तक मैंने देखी नहीं है, बट इन फ्यूचर कभी आ जाए तो पता नहीं, इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर होता ही क्या है। वैसे बिहेवियर अगर वर्ड आप जानते हो तो कंज्यूमर वर्ड भी आप डिफाइन कर लोगे, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने के ना दो अप्रोच है। सबसे पहला अप्रोच होता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर की बैकबोन समझ लो आप, कंज्यूमर बिहेवियर है। इसमें हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, पहला कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसको हम ना आईसी अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। हम इन दोनों एनालिसिस को पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन दोनों एनालिसिस या फिर इन दोनों अप्रोच को या इन दोनों मेथड को अप्लाई करके कैसे निकाला जाता है। इसके अंदर कुछ टर्म होंगी जो हमें यूज करनी पड़ेगी, पहला है यूटिलिटी, ठीक है। अब यूटिलिटी क्या होती है हम वो भी जानेंगे, ठीक है, ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि भैया यूटिलिटी और यूटिल सेम ही है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली बात तो मुझे 5 मिनट तो यही बात समझाने में लग जाएगी आपको कि यूटिलिटी अलग चीज है और यूटिल अलग चीज है, ठीक है। चलो उसके बाद हम इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि यूटिल क्या है और यूटिलिटी क्या है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक जो है कि ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इसका ना नाम मैं यूज करूंगा, इसका जो मैं नाम है वो आगे डीएमयू से डोनोट करूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं पहली बार हर टर्म आपको डिफाइन करके दूंगा, सेकेंड टाइम जब भी मैं यूज करूंगा तो उसी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, लेकिन पेपर में आप पूरा नाम यूज कीजिएगा, अनटिल एंड अनलेस वो खुद शॉर्ट फॉर्म लिख के ना दे, मतलब पेपर में आपको शॉर्ट फॉर्म देता है तब आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, बट मोस्टली के समय नहीं देता है तो आप भी फुल फॉर्म यूज कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप मतलब नोट्स बनाते समय आप चाहे तो शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं, बिकॉज पेपर में फुल चीज प्रेफर करता है वो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, अभी धीरे धीरे मैं यूज करूंगा उन्हीं नोटेशन, तो और बच्चे वही कॉपी करने लग जाते हैं, ठीक है, वो समझने के लिए ठीक है, लेकिन किसी को समझाने के लिए उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, पता लगा कुछ और समझ ले, ठीक है। चलिए इसके बाद हम इस लॉ को पहले तो समझिए, ये लॉ है क्या, किसने दिया, कैसे बना, क्या किस क्या क्या इम्प्लीकेशन है इसकी, और इसी लॉ का हम इस्तेमाल करके ना रिलेशन डेवलप करेंगे टीयू और एमयू। मैं पहले बता देता हूँ टीयू और एमयू की रिलेशन, एपी जो आप पढ़ेंगे ना एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट, उनके साथ मिक्सअप मत कर देना, दोनों चीजें अलग अलग है और समय आने पर मैं दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएट करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ये सबसे मेन टॉपिक है इस कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के लिए, ठीक है। चलिए वन बाय वन हम इन पे बात करेंगे, मैं ज्यादा बोर नहीं करना चाहता, इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी चीजें ही डिस्कस करेंगे कि हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी है क्या, उसके बाद हम यहां से कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इन दोनों पर मैं सबसे ज्यादा टाइम लूंगा आपका, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासों में इन दोनों को समझाने के लिए मुझे 2 दिन लगते हैं, क्योंकि बच्चे के अलग अलग डाउट उठते हैं और फिर उसके बाद मुझे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करवानी पड़ती है ताकि वो उसे क्लियर समझ सके, ठीक है। चलिए तो भाई पहला क्वेश्चन है कि बताओ मीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्या है कंज्यूमर का। तो देखो भाई कंज्यूमर क्या है, बेसिकली एक इकोनॉमिक एजेंट है। एक बात दिमाग हमेशा रखना कि आप डिफाइन कर रहे हो इकोनॉमिक टर्म्स में, तो अपने इमोशन और अपने जो हाव भाव है ना वो थोड़ा दूर रखे, कोशिश क्या करो उन्हीं इमोशंस को इकोनॉमिक की डेफिनेशन दो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पहले भी बता रखा है टॉपिक आसान होते हैं लेकिन आपको वर्ड्स या जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो आपको एक ऐसे लॉजिक में दे रहा है कि कोई मीनिंग कन्वे करें और साथ के साथ थोड़ी इकोनॉमिक टर्म्स भी यूज करें, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या है, बेसिकली एक एजेंट है जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करता है, किस लिए कंज्यूम करता है, ताकि वो अपनी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई कर सके। एक बार दोबारा सुन लो इसका हिंदी, उसके बाद आप नोट करना चाहे नोट कर लेना, पहले सुन लो फिर आराम से लिखते रहना, ठीक है। ये पीडीएफ आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये पीपीटी मैं सेंड कर दूंगा, बट उससे पहले एक बार समझ लो कंज्यूमर है क्या। कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है जिसका मेन काम क्या है, गुड्स और सर्विस को वो कंज्यूम करता है, किस लिए कंज्यूम करता है,
अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके। अब यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन उठ के आता है, जो सबसे पहले ही वाइवा में पूछा जाता है कि भाई डिफ्रेंशिएट करो कि वॉन्ट्स और डिजायर में क्या डिफरेंस है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर दोनों सेम ही है, दोनों सेम नहीं है भाई। वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है, हम इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, वॉन्ट्स हम उन रिक्वायरमेंट को कहेंगे जिसे कंज्यूमर फुलफिल कर सकता है। एक बार दोबारा समझ लो, वॉन्ट्स आर दोज रिक्वायरमेंट विच अ कंज्यूमर रिक्वायर या फिर वॉन्ट्स एंड ही कैन फुलफिल इट विद द गिवन रिसोर्सिस ही हैज। वॉन्ट्स बेसिकली है क्या, वो सभी रिक्वायरमेंट कहो या फिर उसकी नीड कहो जो वो फुलफिल कर सकता है, जो उसके पास रिसोर्स है उसकी मदद से बाय कंज्यूमिंग दैट रिसोर्स। लेकिन डिजायर क्या है, डिजायर बेसिकली क्या है, वो नीड या वो रिक्वायरमेंट जो कंज्यूमर अपने गिवन रिसोर्सेज से फुलफिल ना कर पाए, उसको और चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अब रिसोर्स मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है बिकॉज डिजायर और वॉन्ट्स में कई बार चीजें दोनों मिक्सअप लगती हैं, इसलिए मैंने रिसोर्स वर्ड का यूज किया। जैसे 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 एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं चाहता हूँ यार आज मैं बर्गर खा के आऊं। अब मैं गया मैकडोनल्ड, सपोज करो ऑफर चल रहा था, कुछ भी रीजन समझ लो, उन्होंने कहा कि सर आपको ऑफर, आपको हम 99 में एक बर्गर दे देंगे। मैं खुश क्योंकि मेरे पास 100 रुपए हैं और 99 में वो दे रहे हैं। इनडायरेक्टली क्या है कि मैं अपनी वॉन्ट सेटिस्फाई करने में फुलफिल हो रहा हूँ। अब दूसरा केस आ जाओ, मान लो 100 रुपए ही हैं लेकिन मेरे को पिज्जा खाने का मन कर रहा है और पिज्जा पड़ रहा है सपोज करो 200 रुपए का विद ऑल द डिस्काउंट एंड सो एंड सो ऑन। फिर भी अब चाहता तो मैं पिज्जा खाना हूं लेकिन मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है और कोई पैसे ही नहीं है जिसका इस्तेमाल करके मैं ये फुलफिल कर सकूं। ठीक है, ये इकोनॉमिक एग्जांपल दे रहा हूं। आप चाहे तो जैसे आपके टीचर समझाते हैं ना सर हीरोइन वगैरह का दे दा के कि हीरोइन अगर उसको चाहते हो यार वो हीरोइन अच्छी है उसको कर सकते हैं, तो वो मत करना बिकॉज इकोनॉमिक्स में हो आप, इकोनॉमिक्स में डिफाइन कर रहे हो। कुछ टीचर शायद मान भी जाए बट ऑन एवरेज कोई टीचर नहीं मानता, खासकर CBSE वाले या गवर्नमेंट स्कूल वाले। ठीक है, तो डिफाइन क्लियरली रख के चलना। डिजायर क्या है कि वो नीड या वो रिक्वायरमेंट जो कंज्यूमर फुलफिल ना कर सके जो उसके पास रिसोर्सेज है उसकी मदद से, और वॉन्ट्स क्या है, वॉन्ट्स वो रिक्वायरमेंट या नीड है जो कंज्यूमर फुलफिल कर सके जो उसके पास रिसोर्स है उनका इस्तेमाल करके। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है कंज्यूमर का, तो कंज्यूमर का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो वो पैसे खर्च कर रहा है उसकी मदद से वो जितना हो सके उतना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम गेन ले सके। ये एक बेसिकली मेन रेशनल होता है हर एक मेन कंज्यूमर का वो चाहता है कि भाई मेरा पैसा जा रहा है तो मैं जितना से हो सके उतनी चीजें ले सकूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आओ दोस्तों अब आगे की बातें हम बात कर लेते हैं। हमने मीनिंग और ऑब्जेक्टिव समझ लिया था, वो वीडियो रोकनी पड़ी थी बिकॉज आगे की स्लाइड में कुछ ज्यादा ही मार्क हुए पड़े गए तो उन्हें डिलीट करना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने के हमारे पास दो अप्रोच हैं, पहला है यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है हमारा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है हमारा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब बात आती है कि हम कौन सा अप्रोच ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, हम कौन सा अप्रोच सबसे ज्यादा यूज करेंगे, तो भाई देखो यूज तो हमें दोनों करनी है लेकिन क्वेश्चन किस पे ज्यादा आता है। अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर का बन के आता है, वरना इस पे क्वेश्चन आते हैं या 3 से 4 नंबर के बीच में, बट पता नहीं है क्योंकि अभी 11th क्लास में सब्जेक्ट जा चुका है तो स्कूल पर स्कूल वेरी करेगा कौन से स्कूल के या किस टीचर को ज्यादा कौन सा टॉपिक पसंद है या आता है। ठीक है, चलो फिर हम ये 1 by 1 मैंने ये सिर्फ आपके साथ डिस्कस किया है, अभी आने वाली स्लाइड्स में जब हम डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे तब हम इसमें और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या या इसके अप्रोच के साथ हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इसमें न्यूमेरिकल आता है ना खासकर 2 commodity के केस में तो थोड़ा सा मतलब अगर कॉन्सेप्ट इसको सही से समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और 1 commodity वाला तो पूछो ही मत, क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन बच्चे को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। 2 commodity वाला केस समझ में तो बहुत जल्दी आता है लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते उस पर। ठीक है, दोनों में कुछ प्रॉब्लम है बट बात करेंगे 1 by 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड,
अब हम आगे बात करते हैं कि आगे हम बात करते हैं कि भाई अच्छा जो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड व्हाट इज यूटिलिटी, ये दो मेन क्वेश्चन है। ये तो पेपर में आ चुका है, कई बार दो नंबर में आया, कई बार तीन नंबर में आया, दो तीन चीजें और एडअप हो चुकी हैं, लाइक फीचर या एडिशनल फीचर ऑफ यूटिलिटी, इनको भी इसमें एडअप किया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखा है, शायद किसी स्टेट के बोर्ड एग्जाम में आ चुका हो या किसी ने अपने प्री बोर्ड में दिया हो, बट हमें दोनों चीजें जाननी चाहिए। ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी होगा और ये वाला तो हमें आना ही चाहिए। तो वीडियो आप पॉज करो और जब आप प्ले करोगे तब मैं मिलूंगा इसके आंसरों के साथ, ठीक है। देखो भाई, कंज्यूमर बिहेवियर है क्या, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बिहेवियर का मतलब होता है कि किसी ह्यूमन बीइंग या किसी भी इंसान की, किसी भी एक एनिमल सो ऑन कोई भी लिविंग बीइंग, उसकी एक रेशनैलिटी या उसकी अप्रोच कैसे, मतलब वो किसी नजरिए को या किसी ऑब्जेक्ट को किस बिहेवियर या किस एटीट्यूड के साथ देखता है, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर कैसे चीजों को देखता है, मतलब यही है लेकिन आधा अधूरा है। कंज्यूमर बिहेवियर से यहाँ हमारा मतलब है कि गिवन हिज इनकम, गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, हाउ ही परचेज गुड्स सो डैट ही अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या है कि उसकी इनकम दे रखी हो, मान लो उसकी इनकम फिक्स है, प्राइस दे रखे हैं जितनी कमोडिटी वो खरीद रहा है, सबके हमें प्राइस दे रखे हैं, मान लो एन कमोडिटी है, सबके प्राइस हमें पता है। गिवन दीज टू थिंग, हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज टोटल इनकम ऑन ऑल ऑफ दीज गुड्स सो डैट ही कैन परचेज द क्वांटिटी डैट गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सपोज करो यहाँ पे नाम ले लेते हैं, मान लो पहली कमोडिटी एप्पल है, दूसरी मान लो ऑयल है, तीसरी सॉल्ट है, चौथी नॉन वेज ले लो, वेजिटेरियन एग ले लो, ठीक है, और वीट ले लो, राइस ले लो, एंड सो ऑन। तो इन सब कमोडिटी जो हमें दे रखी है और उसकी इनकम सपोज करो 10,000 है, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि वो इन 10,000 रुपए को कैसे इन सब पे एक्सपेंड करे ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सके। साथ में याद रखना एक वेरिएबल जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक, यानी कि अब 12th में यूज होगा, सेविंग, क्योंकि ह्यूमन बींग को सेव भी करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करनी है और साथ के साथ सेविंग भी थोड़ा बहुत करनी है, ठीक है। ये हम हर एक ह्यूमन का रेशनल होता है कि जितना पैसा खर्च करे उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करे और कुछ पैसा जो बच जाए उसे वो सेव करके फ्यूचर में यूज करे, ठीक है। देखो भाई, इसकी डेफिनेशन तो ये रही, अच्छा यूटिलिटी की इसी पे ही है, चलो फिर यूटिलिटी भी साथ में समझा देता हूँ, फिर आराम से नोट करते रहना। अब ये यूटिलिटी क्या है, तो भाई देखो यूटिलिटी कोई नई बात नहीं है, फिर आप बताई क्यों रहे हो। तो भाई बताई इसी ले रहा हूँ बिकॉज कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है या बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या। देखो पहले एक काम करो, आप ये कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन लिख लो ताकि मैं इस पे थोड़ा सा पेन वेन चलाऊं ताकि आप लोग समझ सको, ठीक है। देखो अब यूटिलिटी है क्या, बेसिकली एक कमोडिटी है, सपोज करो क्या ले, चलो पेप्सी ले लेते हैं, गर्मी आ गई है, ठीक है, पेप्सी है। अब मान लो कोई आदमी है जो बहुत ही धूप से चल के आया तो वो ठंडा ढूंढ रहा और उसे पेप्सी मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा पेप्सी पी के वो बहुत ज्यादा तृप्त हो जाए या पेट भर जाए उसका, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्यों? बिकॉज उसको बहुत ज्यादा उसकी बॉडी एवोपरेट पानी हो चुकी है या बहुत ज्यादा गर्म है, कुछ भी समझो, तो वो उसे जब ठंडी चीज मिलेगी तो उसे बहुत ही चैन से पिएगा। अगर मान लो गर्मी है ऊपर से तुम उसे गर्म चाय ला के दे रहे हो तो उसका थोड़ा सा मन ना इरिटेट होगा ही, ठीक है। मतलब है क्या हमारा कि यूटिलिटी बेसिकली एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है किसी भी कमोडिटी का, ये ना थोड़ा सा रुको एक सेकेंड, किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर है जिसकी मदद से एक कंज्यूमर अपनी जो भी नीड है वो सेटिस्फाई करता है, या फिर आपको इसको इसमें इस टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। मैंने दो डेफिनेशन लिखे हैं यहाँ पे, चाहे तो अगर एक नंबर में आए ना तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, एक सेकेंड, आप चाहो तो एक डेफिनेशन ये लिख लो, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग ऑफ अ पावर,
या तो आप ये लिख लो, ये बेसिकली क्या है कि एक अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो कंज्यूमर रिसीव करता है आफ्टर कंज्यूमिंग अ गुड्स, लाइक पेप्सी मिली उसने, उसे पहले कंज्यूम किया, ये आपको पहले बता देगा आहा क्या मतलब क्या पेप्सी दी, मतलब बिना पिए कोई कैसे बता देगा, तो पहले वो पिएगा अपनी वॉन्ट सेटिस्फाई करेगा फिर आपको बताएगा ना। और यूटिलिटी में पता है एक प्रॉब्लम यही है कि ये क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको पेप्सी पसंद नहीं होती, लिमका पसंद होती है, कुछ होता है जिनको माजा पसंद आती है। अब मान लो पेप्सी वाले बंदे को जिसको पेप्सी पसंद है आप उसे माजा दे रहे हो तो वो तो बोलेगा ना कि भाई ज्यादा अच्छी नहीं है यार, मतलब ठीक है। या ऐसा समझो कोई बंदा है जो वेजिटेरियन है, अब उसको तुम नॉन वेज दोगे तो वो खाएगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं बेकार है ये वाला, अलग रीजन देगा। तो उसके लिए क्या है, नॉन वेज इस तरह के इन्फीरियर गुड्स है, ठीक है। चलो ये दोनों डेफिनेशन लिख लो। और यूटिलिटी के कुछ फीचर्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन मैंने जो दिया है ना आपको, सिर्फ व्हाट इज यूटिलिटी, सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन पूरा बन के आता है। क्वेश्चन पूरा क्या होता है लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी एंड राइट इट्स फीचर। क्वेश्चन पूरा ऐसा आता है 3, 4 या 5 नंबर में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टीचर मूड या फिर पेपर बनाने वाले के मन में क्या था, ठीक है। चलो देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं को हम फीचर भी कहते हैं, तो ये लिख लेता हूं मैं, एक सेकेंड। कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं, ठीक है। शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एक सेकेंड। ठीक तो चल रहा है, पर कुछ ज्यादा लेजी हो रखा है। ठीक है, इसके हम इसको कुछ अलग नामों से भी जानते हैं, लाइक फीचर्स हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, कई बार ना ये कॉमन वर्ड होते हैं जो टीचर यूज कर लेता है, ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं, बट ये मोस्टली ये तीनों पेपर में आते हैं। अगर यूटिलिटी की डेफिनेशन वो 5 नंबर में देना चाहता है तो आपसे वो ये दोनों चीजें पूछ लेगा। तो सबसे पहला क्या है कि ये क्वांटिटी मेजर है, कोई भी इंसान अगर कंज्यूम करेगा तो वो आपको बताएगा नंबर्स में, बहुत ही अनरियल इमेजिंग वो है। बट इस यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच समझने के लिए हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। है क्या कि बेसिकली कोई भी इंसान, जैसे अभी मैंने आपको पेप्सी वाला एग्जांपल दिया, पहले वो पेप्सी पिएगा और फिर आपको बताएगा कि अरे पेप्सी पीने के बाद मुझे 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, या 10 या 20 या 30 मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला। और मैंने पहले बताया था कि सेम पर्सन के लिए जरूरी नहीं है कि पहले बंदे को जिसको माजा पसंद है उसे भी पेप्सी ही 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन देगी, या एक नॉन वेज इंसान को वेजिटेरियन दोगे तो वो कहेगा सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सबके लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इट डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ वांट, और ये डिपेंड भी करती है कि कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन चल रही है, सबको पता है जिस देश में सबसे ज्यादा हालत खराब है उनको सबसे ज्यादा अर्जेंट है किसकी, डोजेस की, जो कोविड वैक्सीन बनी है उनके डोज उनको मिल जाए। तो ये अर्जेंसी और इंटेंसिटी ऑफ वांट पे भी वेरी करती है, ठीक है। या फिर अगर आपको भूख लगी हो और आपके सामने कुछ भी मान लो जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं, मान लो करेले की सब्जी रखी है और रोटी रखी है, आप उसको भी खा लोगे, क्यों, बिकॉज आपको उस समय भूख नहीं तेज लगे, कुछ भी मिल जाए आप खा लेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव नेचर में होता है। अब ये सब्जेक्टिव नेचर क्या होता है, सब्जेक्टिव नेचर इसलिए बिकॉज इसको हम हाईली डिफाइन नहीं कर सकते ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये इसी बात को है हाईली सब्जेक्टिव। एक पर्सन के लिए जो चीज है वो दूसरे पर्सन के लिए सेम नहीं हो सकती, पेप्सी पीने वाला और माजा पीने वाला दोनों के लिए पेप्सी सेम सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। एक के लिए जिसको पेप्सी पसंद है उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू माजा पीने वाले को, ठीक है। अब दूसरा लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यूटिलिटी इज मेजरेबल। ये मेरे ख्याल से ना आप इसी को एक्सटेंडेड वर्जन में लिख सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आप इसको इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि हमने यूटिलिटी जान लिया और इस यूटिलिटी का इस्तेमाल कार्डिनल और ऑर्डिनल में होगा, बट सबसे ज्यादा ना कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूज होगा, ठीक है। चलो
देखो भाई, पहला टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसे ना मार्शल ने दिया था। अब कहा क्या था मार्शल ने, मार्शल ने ये कहा था कि भाई देखो, कोई भी इंसान या कोई भी लिविंग भी जब कोई एक ऑब्जेक्ट खाएगा या कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करेगा, तो वो अब कंज्यूम करने के बाद एक क्वांटिटी मेजर, मतलब एक वैल्यू देगा कि मेरे को इसे खाने के बाद इतना सेटिस्फेक्शन मिला, और उसी को कहा कि हम इस यूटिल को क्वांटिटी में ऑर्डर में लिखेंगे। अब क्वांटिटी ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, किसी का वेट मेजर करते हैं तो किलोग्राम में मेजर करते हैं। अब अगर कोई नंबर, इस कोई ह्यूमन बीइंग है जो कोई एक कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद कोई नंबर दे रहा है, तो कोई यूनिट होनी चाहिए ना। जैसे मान लो पेप्सी है और दो बंदे, चलो तीन ले लो, ठीक है। पहले बंदे को पेप्सी दी गई, उसने कहा मुझे इसे पीने के बाद 10 मिला, इसने कहा इसको 12 मिला, इसको 15 मिला। तो भाई 15 किसका, कुछ तो डिफाइन करो, ये तो नंबर दे दिया आपने, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि हमने यूनिट ऑफ यूटिलिटी अज्यूम किया किसको, हमने कहा कि यूनिट ऑफ यूटिलिटी होगी यूटिल्स। हम मेजर करेंगे एक कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो कंज्यूमर है उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूम करने के बाद यूटिल्स, मतलब 10 यूटिल का पहले बंदे को मिला, दूसरे बंदे को 12 यूनिट यूटिल्स का मिला, सॉरी एक सेकेंड, और तीसरे बंदे को 12 यूटिल का, सॉरी 15 यूटिल का मिला, ठीक है। अब समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यूटिल एक सिर्फ यूनिट है जो यूटिलिटी, किसी एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको मेजर करता है, ठीक है। यूटिल इज अ यूनिट ऑफ यूटिलिटी, और यूटिलिटी क्या है, ये किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर है, या फिर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको एक नंबर के फॉर्म में देता है। बात क्लियर है। अब लास्ट ऑप्शन पढ़ो, इट इज मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर। अब ये एब्सोल्यूट क्या है, आई थिंक स्पेलिंग एक बार एरर है, आई थिंक चेक कर लेना आप लोग एक बार, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट क्या है, तो भाई एब्सोल्यूट इन्होंने पता है, इसको अलग टीचर अलग साइंस में पढ़ाते हैं और कुछ अलग साइंस में पढ़ाते हैं। मैंने जैसे समझा और मैंने जैसे लिखा है, तो एब्सोल्यूट का मतलब पता है यहां पर क्या है, यहां पर एक डिस्क्रीट नंबर है। डिस्क्रीट नंबर से मतलब एक कंप्लीट नंबर है। कोई ये नहीं कहेगा कंज्यूम करने के बाद कि मुझे 10.25 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली है, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ लोग इसको कन्वे करते हैं साइन की टर्म्स में, कि कुछ होते हैं जैसे मान लो एक वेजिटेरियन इंसान को अगर हम नॉन वेज देंगे तो वो ये कहेगा कि भाई मुझे -100 यूटिल का मिला है। दोनों अपनी जगह पे सही है, बिकॉज एक वेज खाने वाले को और नॉन वेज दिया जाएगा, पहली बात तो वो खाएगा ही नहीं, और जब खाएगा नहीं तो कैसे बता देगा कि भाई इसमें को किसे खाने के बाद वो मिला है। बट इसका एक जो इस लॉजिक को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जो हमने पेप्सी वाला एग्जांपल दिया, ठीक है भाई, एक नॉन वेज इंसान एक वेज इंसान नॉन वेज नहीं खा सकता, लेकिन एक माजा पीने वाला पेप्सी तो पी सकता है ना, तो उस केस में ये थोड़ा सा ना अटपटा लगता है। खैर कोई बात नहीं, आप इसको अभी फॉलो करना, या फिर डिपेंड करता है आपका टीचर कौन आपको बता रहा है, ठीक है। अगर बोर्ड में अगर ये चीज होती माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैं आपको यही कॉन्सेप्ट बोलता फॉलो करने को, लेकिन क्योंकि ये स्कूल में अब 11th क्लास में आ गया, तो 11th क्लास में स्कूल की वो चलती है ज्यादा मोनोपोली, तो आप अपने स्कूल में एक बार कंफर्म कर लेना वो कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे एक क्वेश्चन आता है, ये पता है क्वेश्चन मतलब पिछले साल ही पेपर में दिया गया था लॉकडाउन से पहले जो ऑफलाइन एग्जाम हुए थे स्कूल में, तो क्वेश्चन बहुत ही अजीब था और मेरे मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को समझा ही गलत था। तो क्वेश्चन है क्या, पहले तो यही देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज इसेंशियली यूजफुल, ट्रू और फॉल्स, सपोर्ट योर आंसर विद द सुटेबल एग्जाम्पल। अब यूटिलिटीज ने बोला आपसे यह कि यूटिलिटी हमेशा यूजफुल नहीं होती, यूजफुल से सेंस मतलब कि जरूरी नहीं कि वो ट्रू मीनिंग कन्वे कर रही हो, मतलब कुछ ऐसे समझो, अगर हम खाना खाएंगे ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी को ज्यादा पावर मिलेगी काम करने को, सिंपल सा लॉजिक ये फॉलो होता है। लेकिन ये हर कमोडिटी ये केस में पॉसिबल नहीं है ना,
जैसे जैसे एग्जांपल समझो, एक अल्कोहलिक इंसान है, या सिंपल चलो ड्रग ले लो, ड्रग्स कोई भी ले लो, कोकीन कोई भी एक ड्रग्स उठा लो। अब एक ड्रग एडिक्ट जो इंसान है, अगर उसको ये दिया जाएगा, उसको ये हाई यूटिलिटी देगा, क्योंकि उसके लिए तो ये सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन क्या ये उसके लिए बेनिफिशियल है? तो आंसर होगा गलत, क्योंकि उसको कोकीन जब मिलेगा तो ये उसकी लाइफ के लिए डेंजर है। ठीक है, तो यूटिलिटी जरूरी नहीं कि हर बार यूजफुल हो। हाई यूटिलिटी डज नॉट मीन इट ऑलवेज बी यूजफुल या इट ऑलवेज हेल्प द कंज्यूमर। ठीक है, क्वेश्चन कई बार लैंग्वेज ट्विस्ट करके भी दे सकता है। ये पिछले से पिछले साल आया था, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाई यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज यूजफुल फॉर द कंज्यूमर, तो दोनों केस में आ सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये किस सेंस में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी ये तो हम जान ही चुके हैं। यहां पे क्यों लिख दिया मैंने भाई, यहां पे मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज यूटिलिटी की मैं डेफिनेशन नहीं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। यूटिलिटी की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। मैं यहां पे ये मेन डिस्कशन करना चाहता हूं कि यूटिलिटी मेन दो टाइप की होती है। पहली चीज आपको टीचर यही लिखवाएगा कि भाई यूटिलिटी इज दिस 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 एंड इट इज ऑफ टू टाइप। मुझे पहले डिस्कस करना पड़ा बिकॉज मुझे यूटिलिटी के कुछ फीचर्स भी डिस्कस करने थे। ठीक है, अब वही डेफिनेशन मैं यहां लिख के अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं? आपको भी 5 मिनट वही चीज मैं दोबारा समझाऊं, आप पीछे से उसे नोट करके लिख लेना, जो यहां के लिए जरूरी था वो लिख दिया। ठीक है, अब यूटिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट जो बच्चे डेवलप करते हैं वो होता है एवरेज यूटिलिटी। भाई ऐसी एवरेज यूटिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। पहले तो ये बात समझो कि एवरेज है क्या। एवरेज हर कोई जानता है, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड, स्टैटिस्टिक तो सबने पढ़ी है भाई। यहाँ पे एवरेज यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ही क्यों यूज होगा? एक इंडिविजुअल है, वो पूरी कमोडिटी का एवरेज ले जाए तो मीनिंग क्या कन्वे कर लोगे? फिर तो ऐसे तो अलग अलग जो लॉजिक आते हैं। सर फिर ये मार्जिनल यूटिलिटी की क्या जरूरत है? सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं ना भाई। मार्जिनल यूटिलिटी की नीड है, अभी समझेगा जब मैं इन्हें समझाऊंगा। मार्जिनल यूटिलिटी की नीड कैसे है, जैसे समझो, जैसे जैसे कोई कमोडिटी लो जो डिस्क्रीट हो, जैसे बनाना लेते हैं, मान लो 12 बनाना है। ठीक है, और आपका पेट मतलब आधा भरा आधा खाली है। आपको मैंने पहला केला एक केला दिया, आप क्या कहोगे? सर मुझे 10 यूटिल का मिला। इसे अज्यूम कर लेते हैं, यूटिलिटी हमें यूटिल्स में मेजर कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी जो आपको दी जा रही है। एक यूनिट आप तो गए, ठीक है, मैंने आपको दूसरा दिया, आपने कहा ठीक है सर मतलब 9 मिला, 3 आपको, 8, 4, फिर आप डाउन हो क्योंकि आपका पेट अब भरने लगा होगा। या थोड़े और कर लो, मान लो 12 की जगह 3 दर्जन कर लो, 36 केले कर लो, इस फॉर्म में कर लो। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कहोगे आपका पेट भर गया और मैं जबरदस्ती आपको दिए जा रहा हूँ। फिर आप क्या कहोगे? सर अब नहीं हो रहा मतलब, ठीक है बेकार लग रहा बहुत अब। तो मतलब क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, और फिर भी मैं अगर आपको देता रहूं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सर आप कहोगे बिल्कुल नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है। तो नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है मतलब क्या, कि जब मैं आपको एक एडिशनल दे रहा हूं क्वांटिटी खाने को, आपकी यूटिलिटी मतलब आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। और यही इस्तेमाल हम क्या यूज करेंगे? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। ठीक है, थोड़ा सा एक बार दोबारा वीडियो चेक करके पीछे करके देख लेना। ठीक है, डेफिनेशन मैं अभी समझाने जाऊंगा, बट एक बार इस चीज को समझ लो जो मैंने बताया है। एवरेज यूटिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। तो अपने दिमाग से या अपने जो मस्तिष्क की जो उपज है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करो, यहाँ इसकी नीड नहीं है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी है क्या? टोटल यूटिलिटी क्या है कि तुमने जितनी कमोडिटी कंज्यूम की है ना, उन सभी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। आई थिंक मैंने एक एग्जांपल लिया है क्या? नहीं लिया ना, कोई बात नहीं, यही ले लेते हैं केस जो अभी हमने डिस्कस किया था, बस कमोडिटी सम कर लेते हैं। मान लो हम 3 कमोडिटी ले लेते हैं किसी गुड्स की, एग ले लेते हैं चलो। ठीक है, क्वांटिटी और क्या लें, यूटिल्स। यूनिट याद रखो भाई, मैं थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला अंडा बंडा आपको मिला, आपने कहा कि 10 यूटिल मिला। दूसरा जब आपको दिया, आपने कहा कि
तीन ले लो, तीसरा जब आपको दिया मान लो आपने कहा जीरो, मतलब क्या है कि अब मैं आपसे पूछूं टोटल यूटिलिटी क्या है, तो टोटल यूटिलिटी होगी 10 + 3 + 0 मतलब 13। ये तीन के केस में बताया, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं कमोडिटी, आप चाहें तो और ले सकते हैं, ठीक है आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। चलो देखो भाई, ये डेफिनेशन लिख रखी है, एक बार वीडियो पॉज करके ये लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। जो तुम्हारी बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में, बिकॉज वो ज्यादा हमें यूज करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखो इसी बात को जो लिखा है ना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कंज्यूमर ड्राइव कंजम्पशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी, मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को मिले आफ्टर कंज्यूमिंग सर्टेन नंबर ऑफ कमोडिटी। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में पता कैसे लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ TUI वेयर I गोज फ्रॉम 1 to n। हम बहुत से कहेंगे सर इतनी मैथ नहीं आती, 11th में मैथ नहीं ली है, वल्ला वल्ला। भाई कंफ्यूज मत हो, इसको सिंपल दूसरे शब्दों में लिखो। देखो ये साइन जो है ना, इसको हम कहते हैं समेशन। ये तो पढ़ा होगा 9th-10th में स्टैटिस्टिक में यूज होता है, और न्यूज किया ना 11th-class में स्टैटिस्टिक में मिलेगा ये साइन, ठीक है। और ये आई गोज टू वन मतलब पता है क्या है, इसको चलो सिंपल लिख देता हूँ। पहली यूनिट खाने पे आपको कितना मिला, ठीक है, एक सेकेंड फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। लो सिंपल लिख लो ऐसे, पहले जब उसने कमोडिटी खाई तो उसको कितना यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे खाने पे कितना मिला, तीसरे खाने पर कितना मिला, एंड सो ऑन। मतलब जितनी कमोडिटी उसने खाई है उस उन सबका टोटल जब करोगे ना, तो आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग एन गुड्स, ठीक है। ये इन सभी कमोडिटी को खाने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला वही होगा आपका टोटल यूटिलिटी का समेशन। और इसी को अगर मैं फॉर्मूले में लिख दूं तो ये वही बन गया एन इक्वल टू आई गोस एन गोस टू 1 to n, ठीक है। यहां आई लिखा है, चाहो तो यहां भी एन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो इस बात को, टोटल यूटिलिटी है क्या कि जितनी कमोडिटी आपने अभी तक कंज्यूम करी है, जितनी कमोडिटी, जैसे तीन कमोडिटी कंज्यूम किए, तो तीन कमोडिटी कंज्यूम करने तक उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, पहले पे 10 मिला, दूसरे पे 3 मिला, तीसरे पे 0 मिला, टोटल सम कितना हो गया 13। तो मतलब तीन कमोडिटी खाने के बाद कंज्यूमर को 13 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उसी बात को यहां मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में दिखाई है, उसी टर्म को यहाँ डेफिनेशन टर्म्स में लिखी है, ठीक है। आराम से देख लो, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो अब देखो, मार्जिनल यूटिलिटी की दो डेफिनेशन है, पहले तो वीडियो पॉज करके ये लिख लो, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो देखो ना, मुझे थोड़ा सा टेबल की नीड पड़ेगी। देखो मान लो क्वांटिटी और यूटिल, सपोज करो एक कमोडिटी खाने के बाद, ये यूटिल आप ऐसे समझ लो टोटल दे रखा हो, एक यूनिट खाने पे उसको 10 मिलता है, दूसरा खाने पे 12, तीसरा खाने पे 11 और चौथा खाने पे 5। मतलब क्या है, जब उसने आप पहली यूनिट कंज्यूम करी तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसको मिला 10 यूनिट का, लेकिन जब उसने दो कमोडिटी कंज्यूम कर ली तो कितना मिला, 10 + 12, ठीक है, जो तुम्हें दे रखा है। भाई ये नहीं है, TU आपको दे रखा है, मतलब जब उसने दो कमोडिटी खा ली तो उसको 12 मिल रहा है। ये 12 पता क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 10 + जो उसे दूसरी कमोडिटी से मिला, दूसरी कमोडिटी से कितना मिला 2। ये पता क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 10 + अब 10 में क्या जोड़ूंगी 11 आ जाए 1, और ये जो दिखा रहा है ना 5, ये पता आपको क्या दिखा रहा है, 10 + और यहाँ पे पता -5 मिलेगा। मतलब जब उसने चौथी कमोडिटी खाई है उसको नेगेटिव यूटिल मिली है, और जब उसने तीसरी कमोडिटी खाई है उसको पॉजिटिव मिली है, लेकिन 1 मिली है, मतलब लेस देन जब उसने दो कमोडिटी खाई है, ठीक है। इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं, तो पता है MU क्या होगा, MU होगा समेसन ऑफ TU माइनस समेसन ऑफ TU एन माइनस 1, ठीक है। जैसे उसने चार कमोडिटी खाई है तो समेशन ऑफ TU4 मतलब चार कमोडिटी खाने तो उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, माइनस जब उसे तीन कमोडिटी खाई तो उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो इनको लेने के बाद ये हुआ। और हमेशा याद रखना,
TU कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्या टोटल यूटिलिटी भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक नॉन वेज वाले को अगर आप वेजिटेरियन दो, सॉरी एक वेजिटेरियन इंसान को अगर आप नॉन वेज दोगे वो खाएगा ही नहीं, जब उसने खाएगा नहीं तो उसका यूटिलिटी क्या होगा? जीरो। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है बट बहुत रेयर चांस है, बिकॉज कंज्यूम किए बिना कैसे बता देगा, जैसे पॉइजन है, कोई पागल है खाएगा पॉइजन? ठीक है, तो ये वही केस है, तो टोटल यूटिलिटी जीरो रखेगा। ये कुछ न्यूमेरिकल है जो आपको करने हैं और इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तब हम इसके आगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ शुरू करेंगे अगली लेक्चर। तब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए और यहाँ तक के सवाल करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।